राम मंदिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने में 17 दिन बाकी रह गए हैं। 17 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुरू हो जाएगा और 21 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या पहुंच जाएंगे। वहीं तैयारियों के बीच आए दिन राम मंदिर और रामलला को लेकर कोई न कोई नया अपडेट और जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों से चल रही है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इस समारोह में देश के तमाम वीवीआईपी हस्तियों को निमंत्रित किया गया है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम भी किए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या नगरी को एक अभेद किले में तब्दील कर दिया जाएगा। जी हाँ, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। ट्रस्ट से मिली जानकारी के अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन करने वालों का समय बदला जाएगा। मंगला और शयन आरती भी शुरू की जाएंगी। ऐसे में लोग चांदनी रात में दूधिया रोशनी में भी रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और अभी रामलला के दर्शन दो शिफ्टों में लोग कर सकते हैं। एक शिफ्ट सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक होती है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद रात के समय भी श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। वहीं गर्भगृह में ऐसे इंतजाम किए जाएंगे कि भक्त 25 फीट की दूरी से रामलला को अपनी आंखों से निहार सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला सोने के धागे से बने कपड़े को पहनेंगे और जो पुणे में अभी तैयार किए जा रहे हैं और कई रंग के कपड़े बनाए जा रहे हैं। मौके पर ही फैसला लिया जाएगा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के समय किस रंग के सोने के कपड़े पहनेंगे। रामलला के लिए कपड़े अयोध्या के 2 टेलर बाबू लाल और शंकर लाल भी बना रहे हैं। शंकर लाल की 4थी पीढ़ी रामलला के कपड़े बना रही है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को होनी है। उस दिन रामलला सफेद वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाने की योजना है। वैसे रामलला के वस्त्र और उनका हर रंग रोज दिन के हिसाब से बदलता है। अभी रामलला को रविवार को गुलाबी, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरे, गुरुवार को पीले, शुक्रवार को क्रीम कलर के और शनिवार को नीले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में वही लोग जा सकेंगे जिनके पास आयोजन समिति का निमंत्रण होगा या सरकारी ड्यूटी में होंगे। बगैर निमंत्रण वाले जिन लोगों ने 22 जनवरी से पहले अयोध्या में होटल स्टे हाउस बुक करा रखे हैं, इस सबकी बुकिंग कैंसिल कर दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 से अधिक प्लेन लैंड करेंगे। इस दौरान ट्रैफिक रूट में भी परिवर्तन किया जाएगा। अयोध्या की खबरें सबसे पहले पाने के लिए अब तक हिंदी न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।